ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है और तमाम लोग जो है वो ज्यादातर इसमें जो मरीज हैं वो मौसमी बीमारियों के मरीज हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सीनियर डॉक्टर मोर्चा संभाले हुए, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं तो फिर इनकी मुश्किलें जो है वो कम होती। कुछ मरीज हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माजी कहाँ से आए हैं आप और किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है आपको? मैं सिरसी पांचावाला से आई हूँ, दो तीन चक्कर लगा लिए, चार डॉक्टर होते हैं उसमें से एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, होते भी नहीं। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे दो घंटे से खड़ी हूँ। तो आपको मालूम है कि आप आज रेजिडेंट हड़ताल पर हैं? नहीं, ये नहीं मालूम था हमें। अच्छा, ये मालूम नहीं था। यहाँ पे पहले एक डॉक्टर थे, फिर सब चले गए, फिर एक और फिर आए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रेजिडेंट रोज रोज हड़ताल करते हैं, इसके चलते आप लोगों को दिक्कत होती है? बिकॉज एंड वाई पता नहीं, लेकिन हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। छुट्टी दिली तीन, जब भी मैं खाली हाथ चले गया था कि सब 9 से 11 के डॉक्टर नहीं बैठ रहे और अभी भी मैं एक घंटे से खड़े हैं। पर मरीजों की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई है। जो अतिरिक्त अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप जी बताएं किस प्रकार के हालात हैं और रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का किस प्रकार का असर दिखने को मिल रहा है? देखिए स्ट्राइक है आज, वैसे सोमवार रहता है मौसमी बीमारियों में। मेडिसिन का आउटडोर अमूमन भी बहुत ज्यादा, जो मेडिसिन की ओपीडी है 2-2.5 हज़ार चल रही है। इस हॉल में जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीजें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले हुए हैं, सारी चीजें रेगुलर वही सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। रेजिडेंट के होने से फायदा रहता है, जांच लिख देते हैं, सारी चीज रहते हैं, ओपीडी में गाइड कर देते हैं मरीजों को। आज वो सारी चीजें प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर सबको करनी पड़ रही है। समय जरूर लग रहा है, हम सारे मरीजों को दिखवा के अच्छे से उनके ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। डॉक्टर की जरूरत है और व्यवस्था की जा रही। देखिए छोटे छोटे बच्चों को, पूरे बच्चे लेके देख लो क्या हुआ, ऐसे लाइन बच्चे को तकलीफ हो रही है, इसलिए दिखाना है इसमें। अच्छा, कितनी देर? काफी देर हो गई, काफी देर हो गई, 2-3 घंटे से खड़ा है जब से नंबर यहाँ के रुका। अभी बीच में घुस जाता है जबरदस्ती, यहाँ कोई गार्ड वार्ड की कोई नहीं है, गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारी सुरक्षा। आप बताएं आप कहाँ से आए और किस प्रकार की तकलीफ है? मैं तो यही जयपुर से लोकल से आया हूँ सर, यहाँ मेरे करीबन 4 घंटे हो गए थे। ऐसे कोई खड़े हुए जाता है क्या? 1 बज गया, 8 बजे सर अब तक नंबर नहीं है। अब ये टीवी स्क्रीन पर हम ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, तीन अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जयपुर के साथ जोधपुर और अजमेर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही इलेक्टिव सर्विस का भी बहिष्कार किया गया है और मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी, अब देखना होगा कि आगे इसका क्या असर होता है, क्योंकि ये कार्य बहिष्कार से मरीजों को दिक्कतें हो रही है। राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक बार फिर कार्य बहिष्कार करते हुए अस्पताल में परेशानियां खड़ी कर दी है। बात अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जेएलएन अस्पताल की करें तो वहां लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर है, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में सीनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे, अजमेर ही नहीं आसपास के जिलों से आने वाले मरीज बड़ी संख्या में लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए। कल से रेजिडेंट डॉक्टर्स फुल स्ट्राइक में गए हैं। जैसे हमने स्ट्राइक में गए हैं, हमने फैकल्टी, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट, इन सब की ड्यूटी लगा दी गई है। वार्ड का काम जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट संभाल रहे हैं, ओपीडी और आईपीडी का काम फैकल्टी संभाल रही है यहाँ पर, और जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें उसके लिस्ट में कोई कटौती नहीं करी गई, सारे ऑपरेशन हो रहे हैं इसके अंदर। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहां पर लाइनें लंबी लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है, आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि अस्पताल में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था जो है सीनियर डॉक्टर की ओर से की जा रही है, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा ये आउटडोर के जो गेट है वो है जहाँ पर जो है मौसमी बीमारियों को लेकर जो है मरीज दिखाने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ का जो दरवाज़ा है वो चर्म रोग का है। तो
उदयपुर के देवला की घाटा ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का कहर जारी है। अब तक कुल 17 मौतें हैं बीमारी के चलते हो चुकी हैं और एक दिन पहले ही एक और मासूम की मौत हो गई, जिससे अब तक कुल 17 मौतें हो चुकी हैं। जिसके बाद सरपंच निकाराम गरासिया ने प्रशासन को जानकारी दी। 17 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में बीमार लोगों में भय का माहौल है। खबर सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। घाटा ग्राम पंचायत में चिकित्सा शिविर लगाए गए। कोटड़ा में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर इलाज कर रही। अब तक 400 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। मौके पर डिप्टी सीएमएचओ दीपक जैन और कोटड़ा बीसीएमओ शंकर लाल चौहाना की उपस्थिति में चिकित्सा कार्य जारी है। इस बीच देवला क्षेत्र के सभी झोला छाप डॉक्टर भूमिगत हो गए हैं और कई मेडिकल क्लिनिक पर ताले लगे हैं। तो चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई थी, उसके बाद चिकित्सा विभाग पर हम मुश्तैद है। इसमें जो है बीसीएमओ साहब को भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं और पूरे ब्लॉक में जो है इन्होंने चार जो फले हैं घाटा पंचायत के, उन चारों फलों में जो है अलग अलग टीम बनाकर घर घर सर्वे कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं, जो कल से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसमें जो मृत्यु की सूचना मिली है उसमें पिछले माह के पहले से भी जो मिला के आज दिनांक तक की टोटल मृत्यु आ रही है उसका वेरिफिकेशन भी घर घर जाके कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में सीआर कैंप लगाए गए हैं और फर्स्ट कैंप घाटा लगाया, सेकंड कैंप यहाँ पाटिया में लगाए हैं और तीसरा कैंप सतिका खेत और माड़ादेव में लगाए हैं। यहाँ पाटिया में लगभग यहाँ 120 पेशेंट आज आ चुके हैं और जो अब लोगों को पूछ रहे हैं, हमें आते वक्त भी लोगों को मिले पूछा तो लोग कह रहे हैं बढ़िया और अच्छी इलाज हो रही है और लोगों को राहत मिल रही है। जोधपुर के